सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपके YouTube चैनल किसान परिवार ड्रेवन फूड फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में ड्रैगन फ्रूट्स का किन चीज़ों का ध्यान रहे और किन चीज़ों का इश्यूज़ हमें सामने आ सकता है, उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। किसान भाइयों, हम अभी मई में हैं, मिड मई के अराउंड, और आप देख पा रहे हैं हमारे ड्रैगन फ्रूट्स की ग्रोथ। आज हम इसी सभी विषयों को कवर करेंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए किसान परिवार YouTube चैनल और दबाइए बेल आइकन ताकि हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप तक प्रॉपर पहुंच पाए और समय के साथ आप अपडेट रहें। तो किसान भाइयों, यह हमारा आप देख पा रहे हैं फार्म, ये नवंबर लास्ट का प्लांटेशन है और ये हमारे प्लांट्स की ग्रोथ है। कुछ प्लांट्स हमारे बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं और कुछ ने अभी स्टार्टअप किया है। कुछ चेंजेस हमने किए हैं, फर्टिलाइज़र भी हमने चेंज किया है और कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे थे प्लांट को, वो भी आप उसके रिजल्ट भी आप देख पाए। बट अभी जो मेजर इशू है वो है शनमन का, क्योंकि हम अप्रैल में जब मंथ रहता है तो इसमें सबसे बड़ा इशू आता है आपका गर्मियों का, क्योंकि यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर हो गया है, 42-43 टच कर रहा है। बीच बीच में बारिश हो रही है बट उसकी वजह से गर्मी भी उसी लेवल पर चल रही है। 42 और 43 तक अभी तक दर्ज हुआ है और उसका डायरेक्ट रिजल्ट जो है, इम्पेक्ट जो है हमारे प्लांट पे दिखा है। हमारे प्लांट येलो होने स्टार्ट हो गए हैं। बीच में ये कंडीशन आ गई थी कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी, उसकी वजह से हमारे प्लांट लाल कलर था, उनमें असर दिख रहा था, जो कि हमने ग्रीन मेडिकल से कवर किया है। ये हमारे बील्स हैं, बील्स आप अभी हमारे बन रहे हैं और जो प्लांट पोल के ऊपर जा चुके हैं उन पे हम बील भी साथ साथ में लगाते जा रहे हैं। जो प्लांट आप देख पा रहे हैं, आप इनमें येलो कलर देख पा रहे होंगे, साथ में हमने मक्का लगाई थी उस पर भी इसका इफ़ेक्ट है सनमन का, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। और ये तो अच्छा हुआ कि बीच में हमें थोड़ा सा पानी गिर गया, तो इससे हमें थोड़ा सपोर्ट हो गया कि मौसम थोड़ा सा बैलेंस हो गया, नहीं तो बहुत गर्मी थी। ये आप नोक देख पा रहे हैं, ये नोक अभी ठीक है बट अब ये करंट सिचुएशन में ये भी येलो कलर हो गया है इसका। तो और भी हमारे कई सारे किसान हैं जो कि कांटेक्ट करते हैं हमसे और डिस्कशन होता है उनसे, और उनको भी यही इशू आ रहा है। कई तरीके हैं इनको कवर करने के, सनबर्न आप कवर कर सकते हैं, आप ग्रीन मेडिकल का स्प्रे कर सकते हैं, बट वो स्प्रे आपको वीकली करना होता है। ये ग्रीन मेडिकल की बॉटल है, ये स्ट्रेस प्लांट का जो है वो कवर करता है, स्ट्रेस से रिलीफ करता है और आपको सनबर्न नहीं आने देता है। इसका प्राइस और इसकी जो जो इसमें चीज़ें हैं वो आप देख पा रहे हैं इजीली। ये बॉटल है और ये इजीली आपको ऑनलाइन कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी, आप इसको अमेजन से मंगा सकते हैं, लिंक वगैरह हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये ज़रूर मंगा के रखें किसान भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है आपके ड्रैगन फ्रूट के लिए, क्योंकि हर मौसम में ये आपका साथ देगी। ये आपको सर्दियों का जब मौसम रहेगा तो आपको जो कोहरा रहेगा उसकी वजह से आपको फंगस लगेगा, उसको ये कवर करेगा। गर्मियों में आपको सनबर्न का इशू रहेगा, उसको ये कवर करेगा। ये आपके प्लांट के ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है जिससे आपका प्लांट आने वाले ये इश्यूज़ हैं उनको इजीली कवर कर लेता है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाता है उससे, और वो लहर की वजह से आपके प्लांट तक वो इश्यूज़ नहीं आते हैं। बाकी जो रूट्स हैं, रूट्स के फंगस के लिए आप ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने प्लांटेशन न्यू किया तो बिल्कुल करें। आप जो भी सॉइल है आपकी, आप जो भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उनको भी आप सैनिटाइज़ करें ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास से, इसके बाद ही उसको अप्लाई करें। और मंथ में एक बार आप ट्राइकोडर्मा ज़रूर यूज़ करें, और गर्मियों के दिनों में वीकली आप अप्रैल मई में तो डेफिनेटली आपको वीक में एक बार ग्रीन मेडिकल यूज़ करना चाहिए। और भी सारे कई हैं, जैसे कि मैं बात करूं तो चाइना क्ले पाउडर आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसको अभी तक हमने यूज़ नहीं किया बट उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, जिन लोगों से हमारा डिस्कशन हुआ है उसके रिज़ल्ट ठीक बताएं कि उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आजकल लोग नेट का सेट डाल रहे हैं पूरा इसके ऊपर, उससे भी आप बचा सकते हो, और वो थोड़ा सा कॉस्टली है, उसकी तरफ हम नहीं जाते हुए, हम छोटी चीज़ों से बचेंगे। जैसे हमने ये मक्का किए, ये हमने इसीलिए किया था ताकि हमारा सनबर्न कंट्रोल हो, इससे बेनिफिट हुआ है हमें, बट जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा है, उस वजह से हम कहीं ना कहीं ग्रीन मेडिकल का यूज़ कर रहे हैं। ये प्लांटेशन है और हमारे अभी जो कई सारे ऐसे प्लांट हैं वो कवर कर गए, और 30% हमारा वो बील का काम हो गया है, हमने पोल के ऊपर बील कवर कर दिया और उससे हमारे प्लांट बहुत अच्छी ग्रो कर रहे हैं।
ये फर्स्ट ईयर है तो आपको इसमें कुछ और चीज़ें नहीं मिलेगी, यानी कि बर्ड्स वगैरह नहीं देखेगी। कई सारी जगह अभी बर्ड्स आने लगे हैं क्योंकि मई जून से इसका सीज़न स्टार्ट हो जाता है और फ्रूटिंग सीज़न जून में इजीली स्टार्ट हो जाता है और कई सारी जगहों पे बर्ड्स आने लगे। कई सारे किसान भाइयों से हमारी बात हो रही है, उनको बर्ड्स इजीली आने लगे क्योंकि उसका सीज़न आ गया है। हम अभी टोटल फोकस जो कर रहे हैं वो हमारे प्लांट की ग्रो पे कर रहे हैं ताकि हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए, नेक्स्ट ईयर हम बहुत अच्छे लेवल पे इसका सीज़न ले पाए। तो ये जानकारी है कि आप सनबर्न से बिल्कुल बचाएं प्लांट को। अगर सनबर्न आपके प्लांट को लग गया तो वो कहीं ना कहीं फंगस का, डेफिनेटली फंगस लगेगी, और वो फंगस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके प्लांट को बहुत डैमेज करेगी, बहुत नुकसान पहुंचाएगी और प्लांट ख़त्म भी हो सकता है। और एक बार फंगस लग जाने से आपके प्लांट की ग्रो रुक जाती है और उस ग्रो की वजह से काफ़ी टाइम वो प्लांट लेट हो जाता है। अगर आपका प्लांट स्वस्थ है, आपने एक स्टेप पहले लिया है, सारी चीज़ें प्रॉपर डाली है, तो आप कहीं ना कहीं एक कदम आ गया होगे। तो ये देख रहे हैं आप, ये हमारा सेकंड स्टेप है, यानी कि ये हमारे सेकंड टाइम का प्लांटेशन है। फर्स्ट प्लांटेशन आपने स्टार्टिंग वीडियो में देखा था, वो हमारा फर्स्ट टाइम का प्लांटेशन है और हमने इसीलिए डिस्टेंस रखा था ताकि मौसम से भी प्रभाव पड़े और हम चेक कर पाएँ कि हमें क्या रिजल्ट्स हैं। एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारा हर तरीके का। तो ये हमारा है और अभी बारिश बहुत हुई है, हर 5 डेज़ 10 डेज़ के बीच में बारिश हो रही है, उसकी वजह से हमारा खरपतवार कंट्रोल नहीं हो रहा है। जैसे ही हम इसकी निंदाई करते हैं, कचरा बाहर करते हैं, 10-15 दिन में फिर पानी गिरता है और उसकी वजह से फिर से कचरा बड़ा हो रहा है। बार बार ये इशू आ रहा है, बट हम अभी सिर्फ फोकस कर रहे हैं हमारे प्लांट के पास ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाए और ये गर्मी का मौसम किसी भी तरीके से निकल जाए। बारिश में इशू आता है फंगस का, वो आता है प्लांट डूबने को लेके, बट उसके लिए हमने ऑलरेडी स्टेप बना रखा है। हमने बेड ऐसा तैयार किया है कि हमारे जो खेत है उसका ड्रेनेज सिस्टम वैसे बहुत बढ़िया है, बट फिर भी हमने इसके लिए बेड बनाया है ताकि हमारे प्लांट कभी भी पानी में ना डूबे। उसके लिए हमने रास्ता अलग कर दिया है और उससे प्रॉपर हमारा प्लांट जा रहा है। ये अभी आप जो देख पा रहे हैं ये हमारे प्लांट की ग्रोथ है। तो किसान भाइयों, इसी आशा के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। नमस्कार।